वेलकम टू माई चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अकबर के नवरत्न के बारे में जानेंगे। अकबर के नवरत्न का वर्णन करें, यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकबर के नवरत्न का हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी जितने भी नवरत्न थे उनका नाम लिख देंगे, उसके बाद एक एक करके उनका वर्णन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अकबर के नवरत्न में शामिल थे बीरबल, अबुल फजल, फैजी, मियां तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, हमीम हमाम, मुल्ला दो प्याजा। ये 9 लोगों को अकबर के नवरत्न कहा जाता है। ठीक है, अब हम एक एक का वर्णन देखेंगे। बीरबल, दोस्तों हम सब ने अकबर और बीरबल की कहानियाँ बचपन में खूब सुने हैं। ठीक है, और आज भी इन दोनों के कॉमिक्स बहुत फेमस है, और आज भी इन दोनों का जो किताब मिलता है वो बहुत ही फेमस है। बीरबल का जन्म सीधी मध्य प्रदेश में 1528 ईस्वी के में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ठीक है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था, सीधी मध्य प्रदेश में 1528 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसे आप याद रखें। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास। बीरबल अकबर का मुख्य युद्ध रणनीतिकार एवं सलाहकार थे। बीरबल क्या था, अकबर का एक युद्ध रणनीतिकार और सलाहकार थे। उन्हें न्याय विभाग का अधिकारी भी बनाया गया, अकबर ने उन्हें न्याय विभाग का अधिकारी बनाया था। बीरबल एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति कहे जाते हैं। अकबर के द्वारा शुरू किए गए धर्म दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम व्यक्ति बीरबल ही था। ठीक है, अकबर ने क्या किया था, सभी धर्मों से कुछ कुछ गुण लेकर एक नए धर्म की स्थापना की, दीन इलाही। ठीक है, इसको स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम व्यक्ति कौन था, बीरबल। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अकबर ने बीरबल को राजा की उपाधि दी थी। यूसुफ जाइयों के विरोध को दबाने के कारण वर्ष 1586 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अकबर ने क्या किया था, बीरबल को राजा की उपाधि दी थी, और यूसुफ जाइयों का जो विरोध था वो दबाने के लिए जब बीरबल को भेजा गया था, तो 1586 में क्या हुआ, उनकी उन लोगों ने हत्या कर दी। अब आते हैं अबुल फजल में। इनका जन्म आगरा उत्तर प्रदेश में 1581 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, आगरा उत्तर प्रदेश में 1551 ईस्वी में। अबुल फजल अकबर का मुख्य सलाहकार एवं सचिव हुआ करते थे। अकबर के शासनकाल में घटित हुए प्रमुख घटनाओं को कलमबद्ध किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अकबर के शासनकाल में जो जो घटनाएं घटी उनको कलमबद्ध किया, यानी लिखा। अकबरनामा और आयने अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने की। ये क्वेश्चन भी आता है आपका ऑब्जेक्टिव में, अकबरनामा और आयने अकबरी के रचनाकार कौन है, तो अबुल फजल ने ही इन दोनों की रचना की है। वर्ष 1602 ईस्वी में दक्षिण से आगरा की ओर लौटने के क्रम में जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। वर्ष 1602 ईस्वी में क्या हुआ था, जब वो दक्षिण से आगरा की ओर लौट रहे थे, उस समय जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी। अब है अबुल फजल के बाद फैजी। फैजी का जन्म वर्ष 1547 ईस्वी में हुआ था। ये इतिहासकार अबुल फजल का भाई था। ठीक है, ये अबुल फजल के भाई थे, ये भी एक प्रमुख साहित्यकार थे, वे साहित्यों को अनुवाद करते थे। ठीक है, फारसी में, ये भी क्या थे, एक साहित्यकार ही थे, और ये साहित्यों को फारसी में अनुवाद करते थे। वर्ष 1595 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब आएंगे हम, देखेंगे मियाँ तानसेन। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1493 या 1500 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, तानसेन के जन्म मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था, इतना क्लियर है, लेकिन 1493 या 1500 ईस्वी में कब हुआ था, ये साल निर्णय अभी भी ठीक ठाक नहीं मिलता है, सब जगहों पर अलग अलग लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडेय है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तानसेन का असली नाम क्या है, तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडेय। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ये एक संगीतज्ञ थे। अपने करियर के शुरुआत में वे मध्य प्रदेश के रेवा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में गायन किया करते थे। ठीक है,
ये पहले कहाँ काम करते थे? मध्य प्रदेश के रेवा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में गायन क्या करते थे। यहाँ से इन्हें प्रसिद्धि मिली और अकबर के कहने पर उन्होंने मुगल दरबार में संगीतकार के तौर पर ज्वाइन किया। ठीक है, मतलब मुगल दरबार के संगीतकार के तौर पर उन्होंने अपना काम शुरू किया। अकबर ने इन्हें नौ नृत्यों में शामिल किया। अकबर ने इन्हें कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अकबर ने मियां तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो अकबर ने मियां तानसेन को कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दिया था। इन्हीं के समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। ध्रुपद गायन एक शैली है जिसका विकास इन्हीं के समय में हुआ। अब राजा टोडरमल। राजा टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश भारत में 1500 ईस्वी में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। राजा टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये 1500 ईस्वी में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शेरशाह सूरी के शासनकाल में नौकरी से की। ठीक है, उन्होंने अपना काम कब शुरू किया राजा टोडरमल ने? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में उन्होंने ये शेरशाह सूरी के दरबार में काम करते थे। राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य में अकबर के शासन के समय राजस्व एवं वित्त मंत्री थे। अकबर के शासन के समय राजस्व और वित्त मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लें। वर्ष 1572 ईस्वी में उन्हें गुजरात का दीवान बनाया गया। 1572 ईस्वी में उन्हें क्या किया गया? गुजरात का दीवान बनाया गया और बाद में 1582 ईस्वी में प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। टोडरमल ने भूमि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। विश्व का प्रथम भूमि लेखा जोखा प्रणाली इनके द्वारा ही तैयार की गई थी। विश्व की जो प्रथम भूमि की लेखा जोखा व्यवस्था है ये इन्होंने ही तैयार की थी। राजा मानसिंह। राजा मानसिंह का जन्म वर्ष 1550 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में एक राजपूत परिवार में हुआ था। ठीक है, वे अमेर राजस्थान के कछवाहा राजा थे। राजा मानसिंह अकबर के सेना के प्रमुख सेनापति थे। उन्होंने सेनापति रहते बिहार बंगाल और काबुल आदि प्रदेशों में सफल सैनिक कार्रवाई की, यानी वहाँ पे युद्ध करके उस क्षेत्र को जीत करके अकबर के साम्राज्य में मिलाने का काम किया। राजा मानसिंह से संबंध होने के कारण उदारता दिखाते हुए अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया था। राजा मानसिंह की से संबंध होने के कारण अकबर ने उसको अपनी उदारता दिखाने के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन बाद में अकबर ने फिर से जजिया कर पुनः लगा दिया था। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना एक समय के मुगल साम्राज्य के प्रधान सेनापति एवं अकबर के संरक्षण बैरम खां का पुत्र था। ठीक है, अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खान था। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखें। उसका पुत्र था ये अब्दुल रहीम खाने खाना। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि और विद्वान था। ये क्या था? कवि और विद्वान था। इसने ही बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखा हुआ था, उसे फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा को तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद का काम अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। गुजरात जीतने के उपरांत अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने इसे अब्दुल रहीम को क्या किया था? खाने खाना की उपाधि दी थी। इनका नाम अब्दुल रहीम था, अकबर ने उपाधि दी थी खाने खाना की। रहीम अपने दोहा और गज़लों के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। ये अपने दोहा और गज़लों के लिए प्रसिद्ध थे। हमीम हमाम, ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। हमीम हमाम अकबर के रसोई घर का प्रधान हुआ करता था। हमीम हमाम क्या था? ये भी नवरत्नों में थे। ये अकबर के रसोई घर का प्रधान था। मुल्ला दो प्याजा, अरब का रहने वाला मुल्ला दो प्याजा हुमायूं के शासनकाल के समय भारत आया था। ठीक है, ये कब भारत आया था? हुमायूं के शासनकाल में भारत आया था। ये अकबर का सलाहकार और वजीर था। ठीक है,
ये कौन थे अकबर के सलाहकार और वजीर हुआ करता था। ये अपनी बुद्धि एवं लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। प्याज अधिक पसंद होने के कारण अकबर ने इन्हें दो प्याजा की उपाधि दी। ठीक है, मुल्ला को प्याज बहुत ही पसंद था, इसलिए उसे अकबर ने दो प्याजा की उपाधि दी और जिसके कारण इसका नाम बन गया मुल्ला दो प्याजा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी, आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के लिए एक लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।